हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से फिर से हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ द दिल्ली सल्तनत के विषय में चर्चा करूँगी। इसके पहले भी मैंने पार्ट वन जो इस वीडियो का रहा है उसे मैंने अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है। यदि आप लोगों को मेरे ये वीडियोज जितने भी मैं अपलोड कर रही हूँ हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ दिल्ली सल्तनत के संबंध में या अन्य जितने भी विषय पर या टॉपिक्स में मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, यदि आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। यहाँ साथ ही साथ मैं यही भी कहना चाहूँगी कि मेरा ये प्रयास रहा है इन वीडियोस के थ्रू कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कंपटीशन की तैयारी करने वाले या फिर यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरे ये वीडियोस मददगार साबित हो। यदि हम यहाँ पर हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ दिल्ली सल्तनत के विषय में बात करते हैं तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा है अपने पार्ट वन के वीडियो में इसके संबंध में कि हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ दिल्ली सल्तनत का बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही हम ये देखते हैं कि भारत में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हिस्ट्री राइटिंग का प्रारंभ इतिहासकारों के द्वारा माना जाता है और साथ ही साथ जितने भी लिखित डॉक्यूमेंट्स जो हमें प्राप्त हुए हैं इस पूरे पीरियड के भारत के न सिर्फ राजनीतिक बल्कि सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक अर्थव्यवस्था के विषय में भी हमें जानकारी प्रदान करते हैं। अब यदि यहाँ पे अन्य जितने भी सोर्सेज हैं दिल्ली सल्तनत के उनके विषय में यदि बात की जाए, स्पेशली जो साहित्यिक सोर्सेज हैं, तो हम यहाँ पे फर्स्ट सिरात ए फिरोजशाही के विषय में यहाँ पे चर्चा आप लोगों से करना चाहूंगी। इतिहासकारों का विचार है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा इस ग्रंथ की रचना करवाई गई थी। इस ग्रंथ से हमें फिरोज शाह के शासनकाल के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम तारीख़े मसूदी के विषय में बात करें, इस ग्रंथ में हमें महमूद गजनवी तथा मसूद के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बहरी के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई थी। इस ग्रंथ की रचना अरबी भाषा में की गई थी। इस ग्रंथ से हमें 1059 ईस्वी तक गजनी वंश के संदर्भ में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट यहाँ पे जितने भी अन्य हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं दिल्ली सल्तनत के, यदि हम उनके संबंध में बात करें तो उनमें बहुत ही इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं स्थान किताब उल रहला का रहा है और इसी के संबंध में तथा इसके लेखक के संबंध में कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहते हैं। उस लिहाज से भी ये जो है यहाँ पे किताब उल रहला की जो चर्चा है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। यदि हम किताब उल रहला के रचनाकार के विषय में बात करते हैं तो इसके रचनाकार मोरक्को यात्री इब्न बतूता रहे थे। इस पुस्तक से हमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम रहला के शाब्दिक अर्थ पर विचार करते हैं तो इसका अर्थ यात्रा होता है। इतिहासकारों द्वारा इस ऐतिहासिक ग्रंथ को अधिक महत्व दिया जाता है क्योंकि इब्न बतूता ने इस ग्रंथ की रचना अफ्रीका में की थी, जिससे कि शासकों के पक्ष में कल्पनातीत वर्णन की संभावना इसमें नहीं रही है और इतिहासकार इसे एक प्रामाणिक स्रोत के रूप में मानते हैं। इस ग्रंथ में इब्न बतूता के द्वारा सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के संबंध में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं, वेशभूषा, खान पान, शहर के जीवन, न्याय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, जलवायु, मेले एवं त्योहारों के संदर्भ में भी इस पुस्तक में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि किताब उल रहला का इम्पोर्टेंस न सिर्फ एज अ हिस्टोरिकल सोर्सेज फॉर द हम कह सकते हैं यहाँ पे कि राजनीतिक जो है उसके लिए, हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जितने जो सामाजिक स्थिति रही थी उस समय में उसके संदर्भ में भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी इस पुस्तक से प्राप्त होती है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तारिक ए सलातिन ए अफगान के विषय में, इस ऐतिहासिक ग्रंथ से हमें लोदी वंश के शासनकाल के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अफगानों के इतिहास के संदर्भ में इसमें हमें यहाँ से हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। यदि हम लोदी वंश के विषय में जानना चाहें तथा इसका किस प्रकार से स्थापना हुआ था और इसकी प्रगति हुई थी तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस पुस्तक का इम्पोर्टेंस यहाँ पे बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें फतवा ए जहांदरी के विषय में, दिल्ली सल्तनत काल में मुस्लिमों के राजनीतिक आचरण के संदर्भ में जानकारी देने तथा धार्मिक
और धर्मनिरपेक्ष विचारों का राजनीति में महत्व के संदर्भ में जियाउद्दीन बरनी द्वारा रचित यह ग्रंथ काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी दिल्ली सल्तनत के समय में जो इतिहासकार रहे हैं उनमें प्रमुख स्थान जियाउद्दीन बरनी का रहा है, और जियाउद्दीन बरनी के द्वारा जितने डिटेल में हम कह सकते हैं कि जितने भी रहे थे शासक दिल्ली सल्तनत के उनके विषय में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, स्पेशली तुगलक वंश के समय में तथा खिलजी वंश के जो हम कह सकते हैं शासकों के विषय में बरनी की पुस्तक फतवा ए जहांदरी से हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। और यहाँ पे इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, उस लिहाज से भी ये जो है यहाँ पे ये पुस्तक या इसकी चर्चा बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तारीख़ मुबारक शाही के विषय में तो इसके रचना याहिया बिन अहमद के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा हमें सैयद वंश के इतिहास की तत्कालिक प्रमाणिक जानकारी प्राप्त होती है, तथ्यों तथा तिथियों और घटनाओं का वर्णन भी हमें इस पुस्तक में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि सैयद वंश के विषय में यदि हमें जानकारी हासिल करनी हो या प्राप्त करनी हो तो उस संबंध में तारीख़ मुबारक शाही सबसे अधिक यहाँ इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और इस वंश के विषय में तथा इसके घटनाओं का वर्णन हमें इस पुस्तक में विस्तार पूर्वक देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम चर्चा करें तारीख़ सलातिन ए अफगाना के विषय में तो इसके जो लेखक रहे हैं वो अहमद यादगार थे। इससे लोदी तथा यहाँ पे सैयद जो वंश थे उसके संदर्भ के विषय में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ यहाँ पे यदि हम चर्चा करें आदाब उल हब्र के विषय में तो इसके जो लेखक रहे थे वो फ़क्रे मुदब्बिर रहे थे। फ़क्रे मुदब्बिर जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट साहित्यकार के या इतिहासकार के तौर पर रहे हैं, तथा इनकी जो पुस्तक थी वो हमें इल्तुतमिश के शासनकाल के समय में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती है। साथ ही साथ इस पुस्तक में युद्ध के संदर्भ में हमें महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। इल्तुतमिश ने फ़क्रे मुदब्बिर को प्राश्रय भी दिया था, और इस वजह से भी इन्हें क्योंकि लेखन कार्य में काफ़ी हम कह सकते हैं कि सहायता भी पहुंची थी और इन्हें लिखने का मौका भी मिला था उस समय के भारतीय परिवेश के संबंध में। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें सियासतनामा के विषय में, इस पुस्तक के लेखक निजामुल मुल्क हैं। इस पुस्तक में दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में तथा तत्कालीन दास प्रथा के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। अन्य बहुत सारे अन्य पुस्तक भी रहे हैं जिससे हमें दिल्ली सल्तनत के शासकों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होती हैं। यदि हम दिल्ली सल्तनत के विषय में बात करते हैं और इसके हिस्टोरिकल सोर्सेज के संबंध में तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो साहित्यिक स्रोत हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट रहे हैं या प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहे हैं, जिसके विषय में आगे आप लोगों से यहाँ पे चर्चा करूँगी। और सर्वप्रथम यहाँ पे अन्य जितने भी इतिहासकार हैं या लेखक हैं यदि उनमें बात की जाए तो अमीर खुसरो का स्थान यहाँ पे उल्लेखनीय रहा है या बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा है। मिफ्ता उल फुतू अमीर खुसरो की इस पुस्तक से हमें जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। किरान उस सादेन यह भी पुस्तक जो है वो अमीर खुसरो के द्वारा लिखित है, तथा इसमें हमें बुगरा खान उसके पुत्र कैकुबाद के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं बुगरा खान के और कैकुबाद के विषय में तो यहाँ पे इस पुस्तक से हमें दिल्ली सल्तनत के जो अंतिम वर्ष रहे थे, क्योंकि इसके बाद ही हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो स्लेव डायनेस्टी रहा था उसका पतन हो गया था, तो अंतिम वर्षों का जो स्लेव डायनेस्टी का था उसका हमें महत्वपूर्ण जानकारी इस पुस्तक से प्राप्त होती है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें खजाइन उल फुतू के विषय में, यह पुस्तक भी आमिर खुसरो के द्वारा लिखित है, तथा इस पुस्तक से हमें अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों के संदर्भ में जानकारी मिलती है। इस पुस्तक में मंगोल आक्रमण का भी उल्लेख किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोल आक्रमण बहुत अधिक रहे थे, इसमें बहुत अधिक धन भी हम देखते हैं कि खर्च होता था अलाउद्दीन खिलजी का, और राजकीय कोष से जो व्यय होता था मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कई कदम भी उठाए गए थे। और इसी के संबंध में जो जानकारी है हमें अमीर खुसरो की जो पुस्तक रही है खजाइन उल फुतू, इससे हमें महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करते हैं वाकियात ए मुश्ताकी के विषय में तो इसके जो लेखक रहे हैं उनका नाम शेख रिजकुल्ला मुश्ताकी है।
ये जो है मुख्यतः अफगानी शासकों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी इनके पुस्तक से प्राप्त होती है, और साथ ही साथ इसमें लोधी वंश के संदर्भ में भी हमें महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होती हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि लोधी वंश के संबंध में या इससे जानकारी हासिल करने के लिए राजवंश के विषय में यदि हम प्राप्त करना चाहें तो उस अनुसार भी वाकियात मुस्ताकी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम चर्चा करें तुगलक नामा के विषय में, आमिर खुसरो की यह अंतिम रचना रही है और इस पुस्तक से हमें खुसरो शाह के विरुद्ध ग्यासुद्दीन तुगलक के विजय के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में हिंदी, संस्कृत तथा अन्य स्थानीय भाषा में रचित साहित्य के द्वारा भी हमें सल्तनत कालीन धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। यदि हम हिंदी साहित्य की बात करें तो सल्तनत काल में हिंदी साहित्य का काफी विकास भी हुआ था तथा इसे प्रोत्साहन भी प्राप्त हुआ था। इस समय चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो, सारकधर के द्वारा हमीर रासो तथा जगनिक के द्वारा आल्हा खंड से जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना हमें प्राप्त होती है, या हम कह सकते हैं कि इनका लेखन कार्य दिल्ली सल्तनत के समय में हुआ था, और ये जितने भी पुस्तकें रही हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं दिल्ली सल्तनत के साहित्यिक स्रोत के तौर पे भी। दिल्ली सल्तनत काल में अगर हम हिंदी साहित्य के लेखकों के संदर्भ में अध्ययन करते हैं तो हम यह देखते हैं कि जयदेव, रघुनंदन मिश्र तथा विद्यापति ठाकुर जैसे लेखक काफ़ी प्रसिद्ध रहे थे। यही नहीं, गुरु नानक के द्वारा पंजाबी तथा मीराबाई के द्वारा राजस्थानी और नामदेव के द्वारा मराठी साहित्य का सृजन भी इसी काल में हुआ था। इन सभी रचनाओं से हमें तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि हिंदी और स्थानीय भाषा में रचित होने के कारण इन रचनाओं से तत्कालीन हिंदू समाज के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होती हैं। अगर हम संस्कृत की बात करें तो सल्तनत काल में कई रचनाएं संस्कृत में लिखी गई थीं, जिसमें प्रमुख है कल्हण की राज तरंगनी, कृष्णदेव राय की जामवती कल्याण, रामानुज की ब्रह्मसूत्र, पार्थ सारथी की कर्म मीमांसा। ये जितनी भी पुस्तकें हैं यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं रीजनल हिस्ट्री के विषय में, यदि हम दिल्ली सल्तनत के समय में अध्ययन करना चाहें तो। क्योंकि जैसे कल्हण की जो राज तरंगनी है, कश्मीर के इतिहास के विषय में यदि हम जानना चाहें, और दिल्ली सल्तनत के जो प्रारंभिक वर्ष हैं उसके संदर्भ में यदि हमें जानकारी हासिल करनी हो, उस अनुसार भी जो कल्हण की राज तरंगनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पुस्तक हो जाती है। और इसके अलावा जितने भी अन्य यहाँ पे पुस्तकों की मैंने चर्चा की है, इनका यहाँ इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ये रीजनल हिस्ट्री के विषय में हमें विस्तार पूर्वक यहाँ पे जानकारी उपलब्ध कराते हैं। हमें सल्तनत काल में हिंदू शासकों की स्थिति के संदर्भ में भी इन पुस्तकों से महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं, क्योंकि हिंदू शासकों के द्वारा संस्कृत साहित्य को संरक्षण दिया गया था। स्थानीय साहित्य भाषा में रचित रचनाओं से भी सल्तनत काल के इतिहास को जानने में काफ़ी मदद मिली है। इसमें अहोम भाषा में लिखे गए अस्मी बुरंजी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम साहित्यिक स्रोतों के विषय में और अधिक बात करें तो इनमें विदेशी यात्रियों का जो यात्रा वर्णन या वृत्तांत रहा है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस काल में हम देखते हैं कि कई जो है यूरोपीय ट्रैवलर्स इस समय में दिल्ली सल्तनत के समय में भारत आए थे, और उनके द्वारा भी जाने अनजाने या लिखते हुए उन्होंने भारत के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिवेश के विषय में अपने वर्णन में चर्चा की है। सल्तनत के संदर्भ में हमें यात्रियों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इस समय विश्व प्रसिद्ध यात्रियों के द्वारा भारत की यात्रा की गई थी, और इनके द्वारा अपने यात्रा के समय जो कुछ भी देखा सुना गया उन सभी को इन लोगों के द्वारा अपने यात्रा विवरण के रूप में प्रस्तुत किया गया। इन यात्रियों के विवरण से हमें तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। यहाँ पे यदि हम बात करें अब्दुल रजाक के विषय में, अब्दुल रजाक एक फारसी था जिसे विजयनगर के राजा के दरबार में एक दूत के रूप में भेजा गया था। अब्दुल रजाक 1442 से 1443 तक भारत में रहा, और उसके द्वारा इस काल के सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण विवरण दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें निकोलो कॉन्टी के विषय में,
निकोलो कॉन्टी एक इतावली यात्री रहा था जो 1520 में भारत की यात्रा पर आया था। इसके द्वारा तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था, यहाँ की रीति रिवाज, शिष्टाचार, इनके संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध करवाई हैं। यदि हम बारबोसा के विषय में बात करें तो 1516 में इसके द्वारा भारत की यात्रा की गई थी। इसने दक्षिण भारत और विजयनगर के संदर्भ में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक विवरण पेश किया है। नेक्स्ट, यहाँ पे यदि हम बात करें डोमिंगो पेस के विषय में, तो ये एक पुर्तगाली यात्री रहा था जिसने भारत में विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध कराया है। अब आगे जब हम चर्चा करते हैं अन्य जितने भी विदेशी यात्री रहे हैं उनके संदर्भ में, तो यहाँ पे मार्को पोलो का स्थान भी हम कह सकते हैं कि सबसे ऊपर आता है या बहुत अधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। मार्को पोलो इटली का यह यात्री 1274 में चीन की यात्रा इसके द्वारा की गई थी। अपने वतन वापस लौटने के क्रम में इसने भारत के पूर्वी और पश्चिमी समुद्री तट से यात्रा करते हुए तथा इसने अपने यात्रा विवरण में भारत के स्थानीय और विदेशी व्यापार के संदर्भ में उल्लेख किया है। भारत के सामाजिक जीवन के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इनके विवरण से हमें 13वीं शताब्दी उत्तरार्ध के भारत के राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होती हैं। अब आगे यदि हम और अधिक चर्चा करें इस पे, तो हम देखते हैं कि जो निकितिन थे रूसी यात्री, इनका भी जो विवरण हमें प्राप्त होता है या जो इनकी पुस्तक है या लिखित वर्णन जो हमें प्राप्त हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बहमनी तथा विजयनगर साम्राज्य के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करने के लिए। अब यहाँ पे यदि आगे हम बात करें टॉम पायर्स के विषय में, तो 16वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पर आने वाले यह एक यूरोपीय यात्री थे जिसके द्वारा खंबात और मलाका के द्वारा किए जा रहे व्यापार के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। आगे यहाँ पे नूनीस के विषय में या फर्नाओ नूनीस के विषय में यह बात करें, तो ये एक पुर्तगाली यात्री थे जिसने 1530 में भारत की यात्रा की थी। इसके द्वारा विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही साथ दक्षिण भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में विस्तार से इसने वर्णन किया है। जिस प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं कि जो साहित्यिक स्रोत दिल्ली सल्तनत के हिस्टोरिकल सोर्सेज के लिए इम्पोर्टेंट रहे हैं, उसी प्रकार जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो भी दिल्ली सल्तनत के विषय में हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध करवाते हैं। सल्तनत काल के ऐतिहासिक स्रोत के रूप में पुरातात्विक स्रोत बहुत ही अधिक महत्व इनका रहा है। यदि हम पुरातात्विक स्रोतों के विषय में बात करें, तो इनमें भवनों के अवशेष, तत्कालीन जो भवन बनाए गए शासकों के द्वारा तथा जितने भी मुद्राएं जारी की गई थी शासकों के द्वारा, इनका महत्वपूर्ण स्थान पुरातात्विक स्रोत में आता है। अगर हम दिल्ली सल्तनत के स्रोत के रूप में कुछ महत्वपूर्ण इमारतों का अध्ययन करना चाहें, तो जितने इम्पोर्टेंट जो बिल्डिंग्स बने थे या मॉन्यूमेंट्स जो रहे हैं दिल्ली सल्तनत के, उनमें कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित कुतुब मीनार, इल्तुतमिश का मकबरा। जैसा कि हम जानते हैं कि कुतुब मीनार का जो है इसका बनवाने का कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था, परंतु इसका जो है कंप्लीट करवाने का काम इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश के आगे यदि हम बात करते हैं कि उसके काल में और अधिक जितने भी हम यहाँ पे बिल्डिंग्स के विषय में बात करें, तो उसके बाद में 2.5 दिन का झोंपड़ा, कुवतुल इस्लाम मस्जिद, लाल महल, बलबन का मकबरा, अलाई दरवाज़ा, जमात खाना मस्जिद आते हैं। और इन बिल्डिंग्स का बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है क्योंकि इनसे हमें उस समय के आर्किटेक्चरल जो वहाँ के हम रह सकते हैं स्पेशलिटी या विशेषता रही थी दिल्ली सल्तनत की, उसकी भी जानकारी मिलती है और साथ ही साथ जो भवन है उस समय के राजनीतिक और धार्मिक परिवेश के विषय में भी हमें जानकारी उपलब्ध करवाती हैं। जिनसे इन जितने भी ये बिल्डिंग्स हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि सल्तनत काल में इंडो इस्लामिक शैली का उदय हुआ था, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि समाज के दो प्रमुख वर्ग के द्वारा एक दूसरे की संस्कृतियों में समावेश की स्थिति उत्पन्न हुई थी। क्योंकि यहाँ पे जो इंडो इस्लामिक शैली का जो उदय हुआ था, इसके पीछे जो कारण रहा था कि जितने भी दिल्ली सल्तनत के शासक रहे थे वो अपने साथ में उनके साथ क्योंकि यहाँ पे आके बसने लगे थे बहुत सारे जो हम कह सकते हैं वास्तुकार रहे थे या जो बिल्डिंग्स का निर्माण करने वाले, बहुतों को बुलाया भी जाता था बाहर से, और भारत में जितने रहने वाले उस समय के जो शिल्पकार थे दोनों का मिला जुला जो उनका हम कह सकते हैं कला का सम्मिश्रण इस काल में देखने को मिला था। और यही कारण रहा था कि इस समय जो बिल्डिंग्स हैं उनमें इंडो इस्लामिक शैली का उदय हुआ था।
सल्तनतकालीन इन इमारतों से हमें सल्तनत काल के कला तथा स्थापत्य के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम सल्तनत काल के ऐतिहासिक स्रोत के रूप में इन इमारतों को देखें तो हमें इमारतों से यह पता चलता है कि सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर भवनों का निर्माण भी करवाया गया था। साथ ही साथ वास्तुकला की मुस्लिम और हिंदू परंपराओं और शैलियों का सम्मिश्रण या संयोजन भी बड़े पैमाने पर हुआ था। मुद्राओं के अध्ययन से भी हमें दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि शासन काल के समय में या दिल्ली सल्तनत के शासन काल के समय में जित्तल का और टका का सबसे अधिक प्रचलन रहा था, और साथ ही साथ जितने भी सिक्के रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के समय में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं आगे चल करके तुगलक वंश के समय में अद्धा और भिक जैसे भी जितने मुद्राएं थीं उनका प्रचलन भी प्रारंभ हुआ था। साथ ही साथ यहाँ पे हम कह सकते हैं क्योंकि मुद्राओं में हमें उस समय के शासक, उनके काल तथा उनके संबंध में जो राजनीतिक या उनकी जो रुचि रही है इसकी भी जानकारी हमें सिक्कों से प्राप्त होती है। और इन सिक्कों से हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के जो राजनीतिक परिवेश रहा था तथा जो काल क्रम रहा था उसके संबंध में हमें जो है महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होती हैं। इन सिक्कों से हमें यह भी पता चलता है कि शासक वर्ग के द्वारा कहाँ कहाँ विजय अभियान किए गए थे, साथ ही साथ इनकी आर्थिक स्थिति क्या रही थी। यदि यहाँ पे सोने या चांदी के सिक्कों का प्रचलन रहा हो या मिश्रित सिक्कों का, ये उस समय के शासक के आर्थिक व्यवस्था के विषय में भी हमें बतलाने का कार्य करता है। इसी के साथ मैं अपनी इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आपको मेरे ये दोनों वीडियोस पार्ट वन और पार्ट टू हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ दिल्ली सल्तनत पसंद आए हों तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।